एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 1 नवंबर से हेल्थ केयर के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ शुरू किए जा रहे कोर्सेज भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग करने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा 5,000 रुपए स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से युक्त एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में आगामी 1 नवंबर 2022 से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हेल्थ केयर के कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही ऑन जॉब ट्रेनिंग करने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को 5,000 रुपये दिया जाएगा। प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के रहने खाने की सुविधा भी कम दरों में उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्थ केयर कोर्सेज की जानकारी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर पवन देशमुख और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एवं नोडल अधिकारी विजय गावंडे ने दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल चिखली में हेल्थ केयर सेक्टर में विभिन्न प्रकार के कोर्स 1/11/2022 से चालू किए जा रहे हैं। यह एक संस्था है, एनजीओ है पहल, जो कि भारत सरकार के साथ उसका एमओयू साइन है। हमारा एमओयू जो है वह पहल के साथ है, और यह जो कोर्सेस है यह इंटरनेशनल वैलिड सर्टिफिकेट कोर्सेस रहेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन, फ्रंटलाइन वर्कर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, विभिन्न प्रकार के कोर्सेस हैं जिनका जो है प्रशिक्षण एसआर हॉस्पिटल में प्रदान किया जाएगा। और साथ में हमारी जो फैकल्टी है, हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पवन देशमुख, डॉक्टर एस पी केसरवानी, डॉक्टर श्वेता रानी प्रसाद, डॉक्टर छाया भारती, डॉक्टर वंशरी सिन्हा और अत्यंत ही अनुभवी श्री विजय गवांडे, जो भूतपूर्व नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर 9 पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र जो बी एस पी के अस्पताल में उसमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सिरिन संत मैडम हैं जो नर्सिंग सुपरवाइज़र थी सेक्टर 9 बी एस पी के अस्पताल में, ऐसे ही उच्च दक्षता को रखने वाले अनुभवी जो फैकल्टीज हैं शिक्षकों के द्वारा हमारे यहाँ जो है वह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्षेत्र की जनता से, जो आसपास में जो मितानिन दीदी काम करना चाहती हैं, जो समाज सेवक हैं समाज में, और आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उनसे मैं यह आह्वान करना चाहूँगा कि मेरे इस मैसेज को, संस्था के द्वारा दिए जा रहे इस मैसेज को पूरे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करेंगे। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और अभी जो हमारे यहाँ लिमिट सीट हैं उसमें हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग की भी जो है वह व्यवस्था रखी है, साथ में 100% रोजगार की गारंटी प्रदान किया जा रहा है। तो मैं पुनः एक बार क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा, वे लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं और एक वाइट कॉलर जॉब में अपना जीवन मानव सेवा में देना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग, यहाँ पर आईसीयू के इंचार्ज के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मुझे आप सबको ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि जैसे कि हमारे अस्पताल ने पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है, साथ ही अब हमारा अस्पताल शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेस 1/11/2022 से चालू हो रहे हैं। यह सारे कोर्सेज 10वीं तथा 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए हैं। ये कोर्सेज जो है ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इस सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद बच्चों को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे करियर करने का अवसर प्राप्त होगा। तो मेरी जनता से अपील है कि जो भी बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं उनको हॉस्पिटल में रहने की सुविधा मिल सकती है, साथ ही आगे जाके एक चिकित्सा क्षेत्र में वो एक मान्यता प्राप्त नौकरी भी पा सकते हैं। तो जिनको इस सुविधा का लाभ चाहिए वो जल्द से जल्द अस्पताल में लिमिटेड सीट्स में अपना बुकिंग करें। सर, इस कोर्स के बाद कोई जॉब गारंटी वगैरह है क्या? जैसे कि आप जानते हैं आज हर तरफ अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हर अस्पताल में कई जॉब वैकेंसी रहती है, और ये कोर्स करने के बाद
ऑलमोस्ट गारंटी है कि किसी भी बच्चे को जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए जी, मैं विजय गांडे, इंचार्ज नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेटर पैरामेडिकल कोर्सेज SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। अत्यंत हर्ष के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल में आने वाले 1 नवंबर 2022 से पैरामेडिकल कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है, जो कि हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही लाभप्रद कोर्स है, जिसके द्वारा आप यहाँ पर OT टेक्नीशियन का, रेडियोलॉजी असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट का, फार्मेसी असिस्टेंट का, इस तरह के करीब करीब 15 कोर्सेज को हम शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे विभिन्न कारणों से आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा अपने एजुकेशन को आगे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वे आए और इस संधि का लाभ उठाए। हमने ये भी सुविधा दी है कि जिन बच्चों को आर्थिक ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देंगे। सो जो भी उनको पेमेंट मिलेगी, उसमें से आप अपने फीस को कवर कर सकते हैं। सो मैं अपने इस माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन कराइए और इस संधि का लाभ उठाएं, जिससे कि आप मानव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने कैरियर को ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 2022 से हमारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, ताकि आपको इस संधि का लाभ उठा सके। धन्यवाद। बहरहाल, चिकित्सकीय सेवाओं से जुड़ने और मानवताओं की सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सभी कोर्सेस अत्यंत कम दरों में कराए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।